उत्तर प्रदेश के संभल जिले से गाय की तस्करी का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पलटवार की वजह से एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर सामने आई है। आगे की प्रक्रिया में पूरी गैंग की खोज शुरू हो गई है। थाना असमौली के अंतर्गत ये गुमसानी के पास में भैसोड़ा मार्ग पर आज सुबह एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें गौ तस्करों का एक गिरोह है, जिसके द्वारा थाना असमौली में जनपद संभल के अंतर्गत तथा थाना पाकवाड़ा, जनपद मुरादाबाद, अमरोहा तथा अन्य जनपदों में भी गौकशी की कई घटनाओं को कारित किया गया है। हमारे जिले की तथा मुरादाबाद पुलिस की टीम भी इनके पीछे लगी हुई थी। अमरोहा पुलिस भी इनके काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी। आज सुबह जब ये हम लोगों को जानकारी मिली कि ये यहाँ पर एक कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं, तो पुलिस के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। जब इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारे एक कांस्टेबल के हाथ में घायल हुआ है, उसके चोट लगी है। जवाबी फायरिंग में इनमें से दो बदमाश, जिनका नाम, एक का नाम सैफ अली खान, ये थाना असमौली जिला संभल का रहने वाला है, तथा दूसरा शान मोहम्मद, जो थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। इन दोनों के पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इन दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसमें SOG की टीम के द्वारा तथा थाना असमौली की पुलिस के द्वारा इनका जो बाकी गैंग है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी कॉम्बिंग की प्रक्रिया चल रही है। इनके पास से दो अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, साथ में कुछ खोखे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ में एक पिकअप ट्रक और एक इको वैन, ये इनके पास से बरामद की गई है। एक गाय भी अभी इनके पास से बरामद हुई है। इन सभी चीज़ों की विस्तृत जांच की जा रही है। इनसे विस्तृत पूछताछ करके जो इनके अन्य गैंग मेंबर हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कॉम्बिंग की प्रक्रिया चल रही है और साथ में इन लोगों के ऊपर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करते हुए विधिक प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा।